थ्री डी सीरीज का सेकंड मेंबर है स्केंडियम एंड देन टाइटेनियम ट्वेंटी वन तो जब ये ट्वेंटी वन है वन एस टू टू एस टू टू पी सेक्स थ्री एस टू थ्री पी सेक्स फोर एस टू एंड थ्री डी टू तो ये इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फोर एस टू थ्री डी टू तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन बर्निंग के लिए यूज कर सकता है फोर इलेक्ट्रॉन टू फोर एस से और टू इलेक्ट्रॉन ये इस्तेमाल कर सकता है किससे थ्री डी से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं डी ब्लॉक थ्री डी सीरीज की ठीक है तो वो कंपाउंड इसका एग्जिस्ट करेगा कि इस जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या प्लस वन होगी या प्लस टू होगी या प्लस थ्री होगी या प्लस फोर कि ये मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है नाउ अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर ट्वेल्व में पता है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह मालूम कर सकते हैं तो अब आप ऑबियसली आपको एक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए इसका और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सो पोर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा स्टूडेंट माइनस एट हम शॉर्टली करते हैं क्योंकि ई टाइम में आपके पास इतना टाइम तो नहीं होता सो माइनस एट दो पोटेशियम का क्या होगा प्लस टू होगा एज अ होल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ कंपाउंड शुड बी जीरो प्लस सिक्स हो गया ठीक है यहाँ पर सिक्स फ्लोराइड माइनस सिक्स थ्री पोटेशियम प्लस थ्री तो टाइटेनियम भी क्या हो गया प्लस थ्री हो गया थ्री क्लोरीन माइनस थ्री तो टाइटेनियम क्या हो गया प्लस थ्री वन ऑक्सीजन माइनस टू टाइटेनियम क्या है प्लस टू ठीक है ना आप देखिए प्लस टू पॉसिबल प्लस थ्री पॉसिबल प्लस थ्री पॉसिबल बट हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम इज़ व्हाट प्लस सिक्स व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टाइटेनियम बिकॉज इट कैन मैक्सिमम यूज्ड आर शेयर्ड और डोनेट हाउ मच फोर इलेक्ट्रॉन फोर एस टू थ्री डी टू सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो जब ये पॉसिबल नहीं ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है इसका थैंक यू